प्रणाम साईं। राम जी भला करें। पराग ने कहा आपको हमारी मदद की जरूरत है, आदेश करें। तुम दोनों मेरे लिए माला बनाओ। जरूर साईं। यश, पराग के फूल खत्म हो गए, उसे थोड़े फूल दे दो। जी साईं। मैंने माला बना दी साईं। मुझे भी देना। तुम्हारी माला बन गई ना? हाँ साईं। अब तुम जाओ, अपना काम देखो। पराग थोड़ी देर बाद आएगा। जी साईं। प्रणाम। साईं, आपने उससे तो कुछ पूछा ही नहीं, ऐसे ही जाने दे दिया। क्योंकि मुझे उत्तर मिल गया है। तो क्या मेरा शक सही है? नहीं, यश निर्दोष है। साईं, ये आप कैसे कह सकते हैं? इंसान के कर्म ही उसके चरित्र को प्रत्यक्ष करते हैं। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, जब उसने तुम्हें चाकू दिया था तो धार वाला हिस्सा अपनी ओर कर लिया था। तुम्हें तो यह भी पता नहीं चला। कि जब तुमने उससे चाकू लिया तो उसका हाथ कट गया। ये तो मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि उसने अपना दर्द जाहिर ही नहीं किया, चुपचाप सह गया। उफ तक नहीं की। और तो और, जब उसने तुम्हें फूल दिए तो अपने फूलों में से जो सबसे अच्छे फूल थे चुनकर वो फूल दिए तुम्हें, पर तुमने उन अच्छे फूलों की भी जांच परख की। बरार, कमी यश में नहीं, कमी तुम में है, विश्वास की कमी। वो खुद से ज्यादा तुम्हारा ध्यान रखता है, तुम्हारे बारे में सोचता है। सीखना तुम्हें है, विश्वास करना सीखना है। क्योंकि संदेह करके तुम एक बहुत सच्चा, बहुत अच्छा मित्र खो दोगे। लेकिन साईं,
व्यापार में जो नुकसान हो रहा है उसका क्या कारण है? क्योंकि तुम्हारे ग्राहक समझ गए हैं कि तुम अपने साथी यश पर विश्वास नहीं करते हो, और वो लोग इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। जिन लोगों से तुम सामान खरीदते हो वो भी इस बात को जानते हैं कि लोभ देकर वो यश को तोड़ नहीं सकते, उसे मूर्ख नहीं बना सकते, इसलिए तुम्हें उलझा देते हैं। उनकी बातों में आकर तुम गलत दाम पर सौदा करते हो, जो कि घाटे का सौदा होता है। अगर तुम यश पे विश्वास करके उससे सलाह मशविरा करके सौदा करोगे तो मुनाफा जरूर होगा। साईं, मैं समझ गया। साईं, मैंने यश पे संदेह करके बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। आप मुझे माफ कर दीजिए साईं, माफ कर दीजिए। राम जी भला करें। आप आ गए? क्या कहा डॉक्टर ने? जाओ तुम खेलो। इतने परेशान क्यों हैं? कुछ तो बोलिए, क्या कहा अंग्रेजी डॉक्टर ने? वो डॉक्टर हमारे बेटे की मदद नहीं कर सकते क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। तो क्या हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे? क्या हमारा बेटा कभी ठीक नहीं होगा? अंता पंता तो जबरदस्ती सबसे सामान लेकर चले गए। सच में बहुत बुरे वो लोग। हाँ गोविंदा, हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे हम जन्माष्टमी मना सके। उम्मीद, जब उम्मीद हो तो सब संभव है। उम्मीद से क्या होगा साई? हमारे पास तो सजाने के लिए कुछ भी नहीं है। बैठ जाओ। भले ही हमारे पास सजावट की वस्तुएं, खेल खिलौने ना हो, लेकिन जो हमारे पास है वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे पास उत्साह है, लगन है, और इससे भी कहीं बढ़कर हमारे पास श्रद्धा है कृष्ण के प्रति। त्योहार वस्तुओं के साथ नहीं मनाए जाते, त्योहार लोगों के साथ मनाए जाते हैं। अगर हम दिल से मिलजुल कर काम करें तो बिना कुछ खरीदे मजे से, उतने ही मजे से त्योहार मना सकते हैं, खुश हो सकते हैं हम। क्योंकि उम्मीद, लगन, उत्साह और खुशी इन्हें खरीदा नहीं जा सकता, ये तो मुफ्त मिलते हैं। सोचो, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमें कुछ खरीदने की जरूरत ही ना हो और हम पूरे उल्लास मजे से त्योहार मनाएं? क्या किसी के पास ऐसी कोई तरकीब है? साई सही कह रहे हैं। क्या हुआ अगर हमारे पास रंगीन झंडे नहीं है तो उसकी जगह हम पुरानी साड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं ना? महंगी कंदिल की जगह हम पिछले दिवाली में बनाई हुई कंदिल इस्तेमाल कर सकते हैं।
रंगोली बना दूंगी। हाँ, और मैं सबको तोरण बनाने में मदद करूँगा। सारी, अब हमें मिलजुल के जन्माष्टमी मनाने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखना इस बार की मटकी मैं कैसे फोड़ता हूँ। नहीं नहीं, मैं फोड़ूंगा। नहीं, मैं फोड़ूंगा। रुको, क्यों हर साल लड़के ही फोड़ेंगे मटकी? इस साल मैं फोड़ूंगी। नहीं, मैं फोड़ूंगा। नहीं, मैं फोड़ूंगा। नहीं, मैं फोड़ूंगी। नहीं, मैं फोड़ूंगी। नहीं, मैं फोड़ूंगा। चांद, शांत हो जाओ तुम लोग। साई, अब आप ही बताइए कौन कृष्णा बनेगा, कौन मटकी फोड़ेगा? क्यों नहीं तुम लोग अपना अपना नाम किसी पर्ची में लिखकर एक बर्तन में डालो और उसके बाद उस पर्ची में से जिसका नाम निकलेगा वही काना बनेगा। ठीक है ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। साई, ये लीजिए, हमने अपने नाम इसमें लिखकर डाल दिए। अब आप एक पर्ची निकालिए। तुम इसमें से एक पर्ची निकालो। पर्चियों में अपना अपना नाम लिखा था, फिर ये किसने डाला? ये तो कान्हा ही जाने। ये उन्हीं की मर्जी है, उन्हीं का चमत्कार है ये, और मैं भला उनके चमत्कार को कहां समझ पाऊंगा? उनकी मर्जी को मैं कैसे जान सकता हूं? तो अब ये फैसला कान्हा ही करेंगे कि मटकी कौन तोड़ेगा। हमारा बेटा ठीक होगा, जरूर होगा। एक डॉक्टर मना कर सकता है, लेकिन भगवान नहीं।
और भगवान अपने भक्तों को कभी मना नहीं करता। देखना, कृष्ण भगवान कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेंगे, किसी ना किसी को दयाराम की मदद के लिए जरूर भेजेंगे। आओ चंपा। रागिनी, जो देखते हैं सब पूछते हैं कि इसे इतना सुंदर नाम किसने दिया। लेकिन इतने दिन तक थी कहाँ? अपनी आजी के घर। इसे गोद में क्यों उठा रखा है चंपा? नीचे छोड़ दो जमीन पर, खेलने दो इसे। साई, यहां जमीन पर? साई, यहां कंकड़ है, गिरेगी तो चोट लग सकती है। कुछ नहीं होगा इसे, मुझ पर विश्वास है ना? खुद से भी ज्यादा आप पर भरोसा है साई। तो फिर इसे नीचे छोड़ दो। रुको चंपा, उसे चलने दो। साई, रागिनी चल रही है। बच्चे की चिंता करने में कोई बुराई नहीं है। अपने बच्चे के साथ समय बिताना अच्छा है चंपा, उसकी फिक्र भी होनी चाहिए, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। और एक माँ का अपने बच्चे की सुरक्षा के प्रति सचेत रहना, ये भी स्वाभाविक है, पर किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं। साई, चिंता कैसे ना हो? मैंने चिंता करने के लिए कब मना किया? पर किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है, न माता पिता के लिए और न ही संतान के लिए। वहां देखो ऊपर, वो चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाना चाहती है, चाहती है उसके बच्चे पंख खोलें, उड़ान भरें। इसलिए खुद ही अपने बच्चों को घोंसले से बाहर धक्का दे रही है। जोखिम उठा रही है क्योंकि चाहती है उसके बच्चे आत्मनिर्भर बने। और जोखिम उठाना, प्रयास करना, कोशिश करना आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत जरूरी है। रागिनी को कुछ देर अकेले समय बिताने दो,
क्योंकि बच्चे कुछ चीजें अपने अनुभव से भी सीखते हैं। और ये तुम बहुत अच्छा करती हो कि रागिनी को इसके आजी अजोबा के पास छोड़ाती हो। इससे बच्चों के अपने बड़ों के साथ अच्छे रिश्ते बनते हैं, सामाजिक संबंधों को, सरोकारों को सीखते हैं वो। किसी भी बच्चे के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके आसपास उसके माता पिता के अलावा कुछ और लोग भी ऐसे हैं जिन पर वो भरोसा कर सकता है। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, खुद को सुरक्षित महसूस करता है वो, अन्य लोगों के साथ भी खुश रहना सीख पाता है वो। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो जब भी रागिनी तुम्हें अपने पास नहीं पाएगी, खुद को असुरक्षित महसूस करेगी, परेशान हो जाएगी वो। मैं समझ गई साई, अब से मैं रागिनी को वो माहौल दूंगी जिसमें वो सीख सके, आत्मनिर्भर बन सके। और ऐसा करके तुम अपने लिए भी कुछ समय निकाल पाओगी। बच्चों की परवरिश एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में खुद को न खोना ये भी उतना ही जरूरी है। हे भगवान, ऐसे तो इसका दम घुट सकता था। दयाराम, तुम ऐसी चीजों को खुद करने की कोशिश क्यों करते हो? तुम्हें पता है ये कितना खतरनाक हो सकता था। बाबा, मेरा मोरपंख यही कहीं गिर गया है। मोरपंख? हाँ। कहाँ है? ये तुम्हें कहाँ से मिला? बाहर से आया। कृष्णा भगवान की तरह मैं भी इसे अपने सर पर बांधना चाहता हूँ, इसलिए मैं कपड़ा ढूंढ रहा था। कृष्ण भगवान लग रहा हूँ ना? आजी, मैं कृष्ण भगवान लग रहा हूँ ना? अरे इंद्रप्रकाश, तुम? नमस्कार काका। नमस्कार। वो मेरे रिश्तेदार अभी अभी शिरडी से लौटे हैं, खंडोबा जी के पुजारी जी है ना, महालसापति जी, उन्होंने ये चिट्ठी आपके लिए भेजी है। अच्छा, शुक्रिया, चलता हूँ। किसकी चिट्ठी है?
मालसापति जी की। और चिट्ठी बाद में पढ़िएगा। आज मैंने सारे काम जल्दी निपटा लिए ताकि आप समय पर दफ्तर जाकर अपनी तरक्की की बात कर सके। आप जानते हैं ना आपकी तरक्की हमारे लिए कितनी जरूरी है। आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं, आप इस लायक हैं कि आपको तरक्की मिले। अब कृपया करके एक खत के लिए आज तो देर मत कीजिए। तुम ठीक कहती हो, आज मैं बात करूंगा। चल। और हाँ, दयाराम का ख्याल रखना। नमस्कार सुशील बाबू, लीजिए चाय पीजिए। नमस्कार आनंद बाबू। भजिया, ये काका अभी तक आए नहीं। सेठ जी को हिसाब किताब दिखाना है और काका का अभी तक कुछ पता नहीं। अरे जरूर अपने बच्चे के आगे पीछे घूम रहे होंगे। बेचारे काका करे भी तो क्या करे। बाड़ा, कष्ट परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती। मुझे देखो, मैं तो दफ्तर समय पे आता हूं ना। हाँ, उसका नाश्ता जो मिलता है। क्या कहा? मैं ये कह रहा था, काका भले देर से आए या जल्दी जाए, लेकिन उनका काम हमेशा पूरा रहता है। वैसे ये हिसाब खाते की जिम्मेदारी तो मालिक ने आपको दी है ना। चुप कर, जब देखो बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है। चल जा अपना काम कर। प्रणाम काका। प्रणाम। आनंद बाबू, लो आ गए काका। काका। प्रणाम आनंद बाबू। प्रणाम प्रणाम। काका, वो मैंने आपको खाता वही दिया था। हाँ। दुरुस्त करने के लिए, वो कहाँ है? हाँ हाँ, अभी देता हूँ, ये लीजिए, मैंने दुरुस्त कर दिया है। अच्छा, बहुत अच्छा। अब काका, आप इसे भी दुरुस्त कर दीजिए। आनंद बाबू, पहले आप इसे खोल के तो देखिए। आपके कहने से पहले ही मैंने इस खाते बही का मिलान कर दिया है। और तो और, ये बाकी बही खातों का भी हिसाब किताब लिख कर मैंने इनका भी मिलान कर लिया है। घर पर लेके गया था ताकि कोई काम बच ना जाए। शुक्रिया, शुक्रिया काका, आपने मेरा सारा काम पूरा कर दिया। आनंद बाबू, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछिए ना। क्या आपने मेरी तरक्की के बारे में सेठ जी से बात की? ये बाड़ा भी ना इतनी सी भजिया ले आता है। अरे मेरी तो भूख ही नहीं मिटती। आपको भूख लगी है? ये लीजिए, मेरा खाना खा लीजिए। दयाराम के आई ने पूरी सब्जी बना कर दी है। पूरी सब्जी? लेकिन काका, आप क्या खाएंगे? मेरी छोड़िए, मैं घर से खा के ही निकला था। आनंद बाबू, मेरी तरक्की की बात। आनंद बाबू, मैं कुछ समझा नहीं। काका, इस साल तो सेठ जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस साल आपकी तरक्की मुमकिन नहीं। लेकिन काका, अगर आप इसी तरह मेहनत करते रहे तो अगले वर्ष आपको अवश्य तरक्की मिलेगी। थोड़ा धैर्य रखिए काका, अब जो है आप जाकर काम कीजिए। हाँ, मुझे भी किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना है। ये डिब्बा आपका साथ में लेकर जा रहा हूं, वापिस आकर देता हूं। वाह, अब
क्या करूं? महाशापति जी की चिट्ठी तो मैंने पढ़ी ही नहीं। प्रिय काका, इस बार जन्माष्टमी आप हमारे साथ मनाइए शिरडी में। यहाँ आपको आपकी परेशानियों का हल भी मिल जाएगा। साईं आपकी मदद करेंगे। साईं काका, साई की महिमा कैसे सुनाऊं आपको? उनकी अनंत लीलाओं पर तो अनेक ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए, कोई खाली हाथ नहीं लौटता। यकीन नहीं होगा पर सच है, उन्होंने कई लोगों की आंखों की रोशनी लौटाई है। अपने गांव में राणूजी नामक युवक का कुष्ठ रोग ठीक किया। और एक बार तो उन्होंने एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त एक व्यक्ति को मौत के मुंह से बाहर निकाला। साई केवल लोगों की जान ही नहीं बचाते बल्कि भटके हुए लोगों को सही राह भी दिखाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। अरे क्या हो रहा है इसे? साईं, देखिए ना, ये यहाँ जमीन पर गिरे थे। लगता है इनका आखिरी समय आ गया। मैं जानता हूं तुमने अभी अभी हिम्मत हारी है। इतनी लंबी बीमारी से लड़ लड़ के थक गए हो तुम, पर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? और जानते हो, अगर तुम्हारे मन में विश्वास हो, तुम्हारा इरादा पक्का हो, तो यह बीमारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्या कोई मुझे थोड़ा सा पानी दे सकता है? जी साईं।
बहुत गरीब हूँ, गांव गांव भटकने के बाद भी मुझे कोई काम नहीं मिला। कई दिनों से तो मैंने कुछ खाया भी नहीं है। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मर ही जाऊंगा। ये लो, ये खा लो। तुम्हें अपनी दुकान के लिए किसी सहायक की जरूरत थी ना, तो तुम इस इंसान को क्यों नहीं रखते हो? मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, ये तुम्हें निराश नहीं करेगा। जरूर साईं, अगर आप कह रहे हैं तो गलत नहीं होगा। आज तुम आराम कर लो, कल से काम पे आ जाना, ठीक है? मैं आपका ये उपकार कैसे चुका पाऊंगा? एक महीने तक द्वारका माई में खाना खाकर। राम जी भला करें। एक महीने के बाद उस व्यक्ति को अपनी पहली तनख्वाह मिली और उस व्यक्ति ने अपनी पहली तनख्वाह साई को देने की पेशकश की, लेकिन साई ने मना कर दिया क्योंकि वो किसी से भी एक पैसा नहीं लेते। ऐसे हैं हमारे साई, वो कहते हैं श्रद्धा और सबूरी से सब मुमकिन है, अगर दिल में चाह और मन में विश्वास हो तो। साई के आशीर्वाद के रूप में उदी भेज रहा हूं, उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। प्रणाम। साई ने बहुत लोगों की जिंदगी बदल दी, कई लोगों को स्वस्थ किया लाइलाज रोगों से, नाउम्मीदों को उम्मीद दी, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया। इतने दिनों बाद तो कोई उम्मीद नजर आई है। अब तो मुझे शिरडी जाना ही होगा। लेकिन शिरडी जाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? मेरी तरक्की तो एक साल के लिए टल गई है। हमारे पास पर्याप्त पैसे भी नहीं है।
दे दी? किसे दे दी? सुनार को शिरडी जाने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए अंगूठी बेच दी। शिरडी? ये अचानक शिरडी जाने की बात कहां से आई? और आप तो अपनी तरक्की की बात करने गए थे ना, क्या हुआ उसका? मैंने बात की, लेकिन सेठ जी अगले एक साल तक तरक्की की बात नहीं करना चाहते हैं। मैं निराश हो चुका था, तभी मेरा ध्यान मालसापति जी की चिट्ठी पर गया। एक तो तरक्की हुई नहीं, ऊपर से आप शिरडी जाना चाहते हैं, इसके लिए अपनी खानदानी अंगूठी बेच दी आपने। मेरा समझने की कोशिश करो, मालसापति जी ने चिट्ठी में विस्तार से लिखा है साई के बारे में। अब वही है जो हमारे दयाराम को ठीक कर सकते हैं। और कितनी बार कहां कहां नहीं भटके हैं हम, अब इन मंदिरों और बाबाओं को जाने दीजिए। बेहतर होगा कि हम इन पैसों का इस्तेमाल अपने बेटे को यहीं किसी और डॉक्टर को दिखाने के लिए करें, मतलब जिसका इलाज बंबई जैसे शहर के डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं, उसे शिरडी का कोई बाबा ठीक करेगा। मैं कैसे मान लूं? मीरा, अब बात आस्था की है। मालसापति जी की चिट्ठी पढ़कर मुझे विश्वास हो गया है कि हमारे दयाराम के इलाज की कोई उम्मीद है तो वो साई है, और एक बार वहां जाने से क्या बिगड़ जाएगा। मीरा सोचो, अगर साई ने हमारे दयाराम को ठीक किया, सोचो कि साई हमारे दयाराम को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम वहां हमारे तर्क के कारण नहीं गए, तो क्या यह सही होगा? इसलिए चलते हैं। पर आप ये साई पर आंख मूंद कर भरोसा कैसे कर सकते हैं, जबकि आज सुबह तक तो आपने उनका नाम भी नहीं सुना था। नाम तो मैंने कहीं ना कहीं से सुना था, पर मालसापति जी के लिखे शब्दों से आज मुझे साई पर भरोसा हो गया है, और भरोसा विश्वास तर्क से कहां आता है, बस आ जाता है। मैंने तय कर लिया है।